चीनी अस्पताल में भीषण अग्निकांड, जिंदा जले 21 लोग, स्वास्थ्य का मंत्री बना मौत का खड़ा। पड़ोसी देश चीन से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ की राजधानी बीजिंग में अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ अचानक भीषण आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि आग की लपटें और धुएं का गुबार देख लोगों की चीख निकल गई। चंद मिनटों में स्वास्थ्य का मंदिर मौत के अखाड़े में तब्दील हो गया। इस अग्निकांड में करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आग में झुलसे लोगों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने के दौरान अस्पताल में लाइट कट गई थी जिसके चलते अंदर अंधेरा हो गया था। वीडियो में अस्पताल बिल्डिंग के बाहर खिड़कियों से धुआं निकलते देखा जा रहा था। बता दें, इस घटना के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए बेडशीट के सहारे खिड़की से कूद गए। कुछ लोग एयर कंडीशनिंग यूनिट के ऊपर भी खड़े हो गए। हालांकि पुलिस ने बताया कि कूदने की वजह से किसी की जान नहीं गई है, कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना के वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए किस प्रकार से जद्दोजहद कर रहे हैं। बताने की बीजिंग के चेफेंग गवर्नमेंट केयर सेंटर नाम के अस्पताल में आग लगी। घटना के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 71 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जो लोग आग लगने के बाद खिड़कियों से कूद गए उन्हें काफी चोट भी आई। कई लोगों को गंभीर हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक हादसे का शिकार हुए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस उनकी शिनाख्त में जुटी है। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए बिना किसी मदद या सहारे के वहां से कूद गए। आग किस वजह से लगी, कैसे लगी, अभी तक इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। हम जांच कर रहे हैं, फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आग किस वजह से लगी। अब तक सर्च ऑपरेशन के 2 राउंड हो चुके हैं। आधे घंटे में ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया था। पुलिस ने हॉस्पिटल डायरेक्टर समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। हादसे के चश्मदीद ने बताया कि यह घटना बेहद दुखद है। मैं अपने घर की खिड़की से देख रहा था, अस्पताल से आग की लपटें उठ रही थी। यह हादसा दोपहर के वक्त हुआ था। जब आग लगी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। वहीं चीन में एक और आग लगने की घटना सामने आई है जहाँ पूर्वी झेगियांग प्रांत के जिंगवा शहर के वेई काउंटी में एक कारखाने में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस तरह दुर्घटनाओं में अब तक 32 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री में लकड़ी के दरवाजे बनाए जाते थे जिसके एक हिस्से में वो केमिकल मौजूद थे जिन्हें पॉलिश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसी कर्मचारी की गलती से आग लगी और इस मामले में जांच जारी है। फैक्ट्री के मालिक को हिरासत में लिया गया है। बीजिंग के अस्पताल में इस भीषण अग्निकांड ने सबको दहला कर रख दिया। इस घटना में 20 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। कई लोग घायल हुए हैं जिनको पास के अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अचानक इस घटना के बाद लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए आनंद फानंद में छत पर से छलांग तक लगा दी। लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस घटना के पीछे किसकी लापरवाही है और जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।